हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में पारा टीचरों की भर्ती को लेकर बहुत सारी वीडियोस चैनल पे मैंने खुद अपलोड करी है, और आपका डाउट भी होगा कि बार बार सिर्फ अपडेट आ रही है, कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही जिसमें मुझे पता चल सके कि भर्ती कब से स्टार्ट होगी और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए, मैंने पहले भी वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखाया है कि पारा टीचर भर्ती के लिए जो है, देखो एक्चुअली पारा टीचर मैं इसलिए लिख रहा हूँ थंबनेल पे, इसका सीधा सीधा रीजन है कि झारखंड में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को पारा टीचर बोला जाता है, अतिथि शिक्षक नहीं बोला जाता है, और अभी जो बहाली चल रही है उसे सहायक शिक्षक के नाम से जाना जाता है। तो ये पारा टीचर की भर्ती आई हुई है झारखंड में, जहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भी जानना जरूरी हो जाएगा कि आपने बीएड करा है या नहीं करा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीटीसी करी है या नहीं करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सैलरी आपको थोड़ी कम मिलेगी यहां पे अगर बिना बीएड और बीटीसी के जाते हो तो, और बिना जेटेट और बिना सीटेट के भी अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन सारे चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन सैलरी आपको कम मिलेगी, बस इतनी सी बात है। तो चलिए, अब मैं सीधे वीडियो को आगे लेकर चलूंगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, पहुंचाएं, लाइक करें इसे। पहला काम तो ये करना है, आपको लाइक करना है और शेयर करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड में जो पारा टीचर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बीएड, डीएलएड, बीटीसी की बात नहीं है, बिना जेटेट और सीटेट के भी आवेदन कर पाओगे। तो झारखंड में काफ़ी लार्ज नंबर में जो है स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि बेरोजगार हैं, तो उनके लिए फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी है, उनको ये मौका चूकना नहीं चाहिए, ठीक है, उन्हें ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने थंबनेल में एक और बात लिखी है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा के चुनाव के पहले होगी भर्ती। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि झारखंड सरकार ने काम नहीं किया है, ऐसे में आखिरी समय में इनको काम करना होगा, अदरवाइज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज के हिंदुस्तान के अखबार में जो खबर छपी है वो आपके साथ में साझा करता हूँ। पहले देखिए, जो भी अपडेट मैं आपको दे रहा था, बस ये बताया जा रहा था कि उसमें जो है ये क्या एक्चुअली, ये जो है सर्वे करा रही है सरकार जो है सर्वे का काम करा रही है, और सर्वे का काम कंप्लीट होने के बाद ही जो है भर्ती आएगी, ऐसा सरकार का कहना था। तो सर्वे लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब अगले स्टेज में देखिए क्या बातें बताई गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सर्वे का काम करा रही है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर बाकी है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो के द्वारा जो है तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट। तो ऐसे में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो देखो, आप जिस भी प्रखंड से आते हो उसके लिए आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होगा, तभी आप पता चल पाएगा कि आप इसी प्रखंड से आते हो। तो ऐसे में झारखंड का जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलो, एक ही बात है, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप फटाफट बना लो, ठीक है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना लोगे तो आपको आसानी होगी, भर्ती जब आए, कल आए, परसों आए, एक महीने के बाद आए, भर्ती आनी तय है, इसमें तो किसी तरह का कोई भी शक कि जो है गुंजाइश नहीं बची हुई है। ऐसे में आपका काम है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप फटाफट बनाकर रखें, जाति आवासीय जो भी आपको जरूरत पड़ने वाला है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूरत पड़ने वाला है, वो आप फटाफट बना लें, अदरवाइज आगे जो है आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ये वीडियो हर वीडियो में कहता हूँ, देखो सिंस आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, मैं आपको सब्सक्राइबर नहीं फैमिली मानता हूँ, तो देखिए चैनल से आप जुड़े हुए तो आपको डेफिनेटली जो है और लोगों से जो मेरे चैनल को नहीं देख रहे हैं उससे आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो प्लीज ये काम कर लो। अब आगे देखिए खबर के बारे में क्या है, इंटर पास छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इंटर करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, भले आपने आईए करा है, आईएससी करा है या आईकॉम करा है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखो, थोड़ा सा जो है एक इसमें कैच है, यानी कि थोड़ा सा जो है इसमें समस्या है। क्या समस्या, आपने भाषा शिक्षक के रूप में जो है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो इंटर में 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी एडिशनल होता है कुछ भी ले रखा है, आपको जातीय जनजातीय भाषा के रूप में जो है वो सब्जेक्ट अगर आपने इंटर में रखा है तो ही आप यहाँ पे एज अ टीचर ज्वाइन हो सकते हो, यानी कि इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। ये तो हुई पहली क्राइटेरिया। दूसरी बात कि यहाँ पे दीपक बरुआ जो कि कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि मदर टंग में बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी, इसलिए घंटी आधारित ये जो है काम कर रहे हैं। आगे देखिए, झारखंड में भाषा के लिए अनुबंध पर माचेत मास्टर यानी कि घंटी आधारित शिक्षक की बहाली के लिए विज्ञापन 20 जून के बाद जारी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है 20 जून के बाद जो है ये बहाली के बारे में जो है कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आगे देखिए, राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारी जो है कमर कस ली है, तैयारी कंप्लीट कर ली है और प्रखंडवार विज्ञापन निकाला जाएगा, हर ब्लॉक से जो है विज्ञापन निकाला जाएगा। आगे देखिए, 20 जून तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और इसके बाद पता चल सकेगा कि स्कूलवार, प्रखंडवार और जिलावार कितने कितने विषय के जो है घंटी आधारित शिक्षकों की आवश्यकता पड़ने वाली है, उसके बाद जो है निकाला जाएगा। आगे देखिए, इस कमेटी में
वीडियो के अलावा कल्याण विभाग के एक पदाधिकारी प्रधानाध्यापक यानी कि आपका स्कूल का जो हेडमास्टर है वो होगा और डीडीसी के एक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आगे देखिए बोला गया है कि अगर आप अप्रशिक्षित हो बीएड बीटीसी कुछ नहीं करा है तो हर घंटे के लिए जो है आपको 120 रुपये दिया जाएगा और अगर आपने ट्रेनिंग कर ली है तो 200 रुपये आपको प्रति घंटे के तौर पर दिया जाएगा। अब आगे देखिए 3 घंटे से ज़्यादा आप जो है यहाँ पे पढ़ाई नहीं सकते हो, 3 पीरियड जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकते हो, ये बात आप याद रखोगे। अगर 120 रुपये अगर आपने बीएड बीटीसी नहीं करा है तो 3 पीरियड पढ़ाओगे तो 360 रुपये एक दिन में आप लेकर घर जा सकते हो। अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह करके रखा है तो आपको ये 300 रुपये को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 200 रुपये से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 200 रुपये को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 600 रुपये आपको जो है पर डे दिया जाएगा। मैक्सिमम की बात हो जा रही है, ठीक है। और स्कूल अगर बंद रहा, याद रखिएगा रविवार या जिस महीने में स्कूल नहीं चला आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि सीधी सीधी बात है नो वर्क नो पे यहाँ पे लागू हो जाएगा। यानी सरकार जो है खर्च करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, नो वर्क नो पे के अकॉर्डिंग जो है ये जॉब मिलने वाली है आपको। तो देखिए इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं इस पर टीका टिप्पणी करने वाला हूँ नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि इस पर टीका टिप्पणी करूं, सरकार की गलतियां तो है आपको भी पता है, मैंने एज इट इज चीजों को आपके सामने रख दिया है। अब देखिए खास करके जहां से मैं आता हूं, मैं देवघर जिले की बात कर रहा हूं, आप जहां से आते हो उस जिले का नाम लिखिएगा और आप ईमानदारी से बताना इंटर में आपने कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई करी। सिंस मैंने आईएससी करा था तो मेरा लैंग्वेज पेपर एक ही था और मेरा लैंग्वेज पेपर था इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ा। अब देखिए हो सकता है कि आपने आईए करा होगा तो आपने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों रखा होगा, ठीक है, लैंग्वेज के तौर पर हिंदी इंग्लिश दोनों रखा होगा। और अगर मैं थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाऊँ तो हो सकता है कि किन्हीं का संस्कृत भी हो, संस्कृत भी जो हो वो इंटर में हो। लेकिन अब ईमानदारी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से देख रहे हो, वो कमेंट करके बताना, आईएससी करा है, आईकॉम करा है या आईए करा है और लैंग्वेज पेपर आपने कौन सा लिया था। अब देखिए आपको एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा। मैं देवघर की बात कर रहा हूँ, देवघर में मुझे नहीं लगता है कि जितने भी टीचरों की भर्ती खाली होगी उतने शिक्षक इनको मिल पाएंगे बिकॉज ऑफ अ लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर देखो पढ़ाया नहीं जाता है पहले से, अब आप इनको भर्ती करना चाहते हो तो भाषा शिक्षक आप ढूंढ रहे हो। आपको काम ये करना चाहिए था कि आप ना, जैसे कि सहायक आचार्य की एक भर्ती की परीक्षा हो रही है जिसमें पेपर टू में क्या है, खोटा है, संथाली है, पंचप्रगनिया है, नागपुरी है, बंगला है, उड़िया है, उसी तरह से आप एक 100 नंबर का पेपर ले लेते, उसके बाद शिक्षकों की बहाली कर देते, थोड़ी बहुत सैलरी आप ज़्यादा दे देते, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के तौर पर आप घंटी आधारित नहीं बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के आधार पर आप इनको जॉब दे देते। लेकिन भला आप ऐसा क्यों करोगे, आपको तो पैसे बचाने हैं। तो ये बात है, ये देखिए मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर धागा खोल के, जो बोलते हैं ना धागा खोल देना, धागा खोल के मैंने सारी बातें बता दी है। सरकार नहीं चाहती है कि आपको बहुत पैसे मिले और ये सरकार चाहती है कि देखो ये बड़े बड़े वादे करते हैं ये सरकारें कि हम जो है झारखंड के सबसे बड़े हितैषी हैं। और आपको भी पता है वीडियो लेवल के आधार पर जब भी भर्तियां होगी, यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि शामिल होंगे इसमें चलेगा, आपको भी पता है ब्राइब यानी कि घूस, घूसखोरी यहाँ पे चलेगी, जम के चलेगी। और जो भी फेवरेट इंसान होगा चाहे वो मुखिया का हो या किसी का भी हो, उसका काम बड़े आसानी से होगा। देखो इसमें हिचकिचाहट और बोलने में शर्म वाली बात नहीं है, जो मैंने बातें कही है आप उससे एग्री डिसएग्री दोनों हो सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ मैंने छोड़ा है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, उन तक क्या करना है आपको शेयर करना है ताकि और लोग भी जो है चैनल से जुड़ सके। इस वीडियो को व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप में जहाँ पर आप दोस्तों के साथ पढ़ाई की रिलेटेड बातें करते हो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, साझा करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।